हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। जिज्ञासा वीडियो सीरीज का ये नया वीडियो है। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल। मैं आपके सामने ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदू मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर से यूपीएससी रिलेवेंट पांच आर्टिकल्स चुनते हैं। चुने हुए पांच आर्टिकल्स के अंदर से क्वेश्चन बना के आपके सामने ला रहे हैं। जिज्ञासा आप डेली बेसिस पे देखिए, पांच आर्टिकल्स आप समझ लेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, नोट्स आपके बन जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो है वो आपके आगे बढ़ती रहेगी डेली बेसिस के ऊपर। आज के पांच टॉपिक है वर्चुअल करेंसी, कावेरी इंजन, बफेलोस, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर एज वेल एज ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन करने की बात करी जा रही है। बफेलोस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, कावेरी इंजन के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्ची कर दिया गया है, वर्चुअल करेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम जजमेंट आया है जो कि आरबीआई के एक डिसीजन से रिलेटेड है, फ्रंट पेज लेवल की न्यूज है। ये सारे टॉपिक्स हमारे को आज डिस्कस करने हैं जो कि अलग अलग डोमेन से आने लग रहे हैं। एग्जाम के अंदर लगभग 25 डोमेन्स के अंदर से क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। मैं भी आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग डोमेन्स के अंदर से क्वेश्चंस निकाल के टैकल करवाने लग रहा हूं। पुरानी सारी जिज्ञासा, आगे की सारी जिज्ञासा आपको डेली बेसिस पे देखनी चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को पूछता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आंसर करेंगे, स्कोर्स आप लोग अपने शेयर करेंगे, थॉट्स आप लोग अपने शेयर करेंगे, क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, आपके साथ अच्छे से बैठ के मैं पढ़ पाऊंगा। भले ही अपन इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए, लेकिन जुड़े हुए हम फिर भी हैं। प्रशांत दाबी, अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू करो। गीता सिंह, आई एम वेरी हैप्पी आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एक चीज आपने नहीं सीख ली, एक गलती आपने यहां कर ली, एक गलती आप स्थापना, प्रयास, क्रैश कोर्स, जिज्ञासा में करते रहिए। एग्जाम के अंदर गलती मत करिएगा, यही प्रोसेस है लर्निंग का, गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपका स्कोर अच्छा लगा मुझे देखकर। राखी गुप्ता, अच्छा काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे आंसर देना है। राजेश चौधरी, लगे रहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हेमा प्रधान, अच्छा काम कर रहे हो, राइट, करंट अफेयर्स की सीरीज आगे भी चलती रहेगी, कोई भी चिंता मत करिए। हेमा मानसी, अच्छा काम कर रहे हो, डेली बेसिस के ऊपर आपको जवाब देना है। यश जी, लगे रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सेमिनार दिया हो, जॉब करा हो, कोई भी लर्निंग आपने कहीं से भी ली हो, कोई भी टाइम पे वो यूपीएससी एग्जाम के अंदर आपको पक्का काम आने वाली है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। चार प्रकार के जॉब मैंने पहले करे थे, जर्नलिज्म का काम करके बैठा था, तो सारे सारी चीजों का जो मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस है, सब मेरे भी प्रीलिम्स के अंदर काम आया करते थे जब मैं टाइम पे दिया करता था। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आपको सारी चीजें काम आने वाली है, सारी जिज्ञासा काम आएगी, सारे कमेंट्स काम आएंगे, सारा पुराना एक्सपीरियंस काम आने वाला है। आकाश जी, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहिए। सतबीर कुमार, जवाब देना शुरू कर दो, मैं भी वापस आ गया हूं, आप भी जवाब देना शुरू कर दो। विश्वजीत, जवाब देखना है मुझे, सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, स्कोर शेयर कर रहे हो अच्छी बात है, जवाब भी शेयर करो। महेंद्र कुमार, अच्छा काम कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी, अच्छा काम कर रहे हैं। विशेष जी, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the term virtual currency, often seen in the news, consider the following statements. हर अखबार के ऊपर फ्रंट पेज लेवल की न्यूज़ है, वर्चुअल करेंसी के बारे में बात करी जा रही है, यूपीएससी भी उसके बारे में बात करने का पूरा चांस बनता है। वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड दे दिए तीन स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्चुअल करेंसी को हम लोग जनरली ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, यानी कि जो कॉइन्स के फॉर्म के अंदर, कैश के फॉर्म के अंदर, उनके साथ डील नहीं करते, ट्रेडेड ऑनलाइन है, ऐसा आपको बता रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि इसके पास लीगल टेंडर का स्टेटस है, आपको मालूम होना चाहिए लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, फिर आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि क्या वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर है, ये आपको डिसाइड करना है। इट इज मोस्टली इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली, वर्चुअल करेंसीज को जो है सेंट्रल बैंक्स इशू करते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, कौन इशू करता है, ऑनलाइन ट्रेड होती है नहीं होती है, उसके हिसाब से आपके आंसर आपके हाथ में आ जाना चाहिए। तो जो भी आपको आंसर सही लगने लग रहा है, उस आंसर को आप सिलेक्ट करेंगे। आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, 2 सेकंड 5 सेकंड खुद से सोच लीजिए, स्कोर आप लोग को मेरे को शेयर करना है, एक एक क्वेश्चन का बताना है कि सही हुआ गलत हुआ, थोड़ा सा टाइप करना है और कुछ नहीं। तो उससे आपको भी आइडिया लगेगी कि क्या चीजें आपको आती है, क्या चीजें आपको नहीं आती, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया नहीं है। आंसर इसका हो जाता है पहला, ट्रेडेड ऑनलाइन है, लीगल टेंडर स्टेटस इनके पास नहीं होता है, सेंट्रल बैंक इनको जनरली इश्यू नहीं करती है। वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड क्या करा था। मेरा एक दोस्त है, स्टार्टअप में काम करता है, वर्चुअल करेंसीज का एक्सचेंज उन लोग बना रहे हैं, वर्चुअल करेंसीज खरीदने बेचने का उन लोग काम करवाते हैं। अचानक से आरबीआई ने सर्कुलर निकलवा दिया, बोल दिया कि कोई भी प्रकार का वर्चुअल एक्सचेंज से जो भी रिलेटेड काम करने लग रहा है उसको कोई बैंक फंडिंग नहीं देगी, कोई बैंक उनको सपोर्ट नहीं देगी, कोई भी बैंक उनको कोई भी प्रकार से सहायता नहीं देगी। वर्चुअल करेंसीज को जो है हम बैंक्स, आरबीआई ने क्या करा कि एकदम जो है उठा के साइड में कर दिया। क्यों आरबीआई ने ऐसा करा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मोटी बात यह है कि आरबीआई ने बोला था कि कोई भी प्रकार की डीलिंग, कोई भी करेंसी होल्डर एक्सचेंजेस जो भी करने लग रहे हैं, राइट, तो उसको बैन कर दिया गया था आरबीआई द्वारा। आरबीआई बैन बाय द आरबीआई ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डीलिंग विद वर्चुअल करेंसी होल्डर्स एंड एक्सचेंजेस। तो जो भी वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे थे स्टार्टअप से, सबके ऊपर बैन लग गया था कि आप जब है वो हमारी इंडियन बैंक्स के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बैन जो है बहुत ज्यादा कर दिया है, बहुत ज्यादा बड़ा मतलब डिसीजन ले लिया गया है, बहुत ज्यादा हार्श डिसीजन ले लिया गया है, राइट, और आर्टिकल 19(1)(g) के तहत ये गलत चला जाता है। आर्टिकल
19(1)(g) क्या है वो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 19(1)(g) कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल राइट है, आपको फंडामेंटल राइट है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस विद इन द कंट्री, ये आपके पास राइट्स है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी है लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब जो लोग बाग जैसे मेरा दोस्त काम करने लग रहा था वर्चुअल करेंसी वगैरह के अंदर, तो उसका फंडामेंटल राइट है काम करना, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा है कि फंडामेंटल राइट है लोगों का और इस प्रकार से आप ब्लैंकेट बैंस इशू नहीं कर सकते हो, आरबीआई को इस प्रकार से बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। वर्चुअल करेंसी क्या होती है? नॉन फियाट करेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियाट करेंसी? फियाट करेंसी वो प्रकार की करेंसी होती है जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए 100 ग्राम गोल्ड, अपनी उसकी वैल्यू है, एक मैंने आपको हीरा दे दिया, अपनी उसकी वैल्यू है, कुछ टाइम पे जो है मसालों की वैल्यू हुआ करती थी, मोतियों की वैल्यू हुआ करती थी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज जो आपका 2000 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया वैल्यू उसकी, मतलब क्या कि उसको बनाने का खर्चा 2.5 रुपया, उसके ऊपर जो पेपर लगा है, उसके अंदर जो इंक लगी है, प्रिंटिंग कॉस्ट लगा है, वो 2.5-3-4 रुपए का नोट है ज्यादा से ज्यादा, तो 2000 रुपए के अंदर वो कैसे चलने लग रहा है? आप वो मेरे को नोट देंगे तो मैं आपको 400-500 के नोट दे देता हूं, मैं आपको 2000 रुपए की चीज दे देता हूं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि 2000 रुपया उसकी वैल्यू है और कोई भी ये नोट जो है आरबीआई को प्रेजेंट करेगा तो आरबीआई उस बेरर को 2000 रुपए की वैल्यू देगी, इस प्रकार से प्रॉमिस है उसके ऊपर। तो वो होती है फियाट करेंसी, वो होती है लीगल, वो होता है आपका लीगल टेंडर। ये नॉन फियाट करेंसी है, ट्रेडेड ऑनलाइन है, समझे आप मेरी बात को? तो फियाट करेंसी ये नहीं है। इट कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सेप्टेड इन लोकल वर्चुअल नेटवर्क्स, ये फियाट करेंसी नहीं है, ये रियल करेंसी नहीं है, रियल मनी नहीं है, नेशनल करेंसी नहीं है। जो फियाट करेंसी है वो कॉइन के फॉर्म में होती है, पेपर के फॉर्म के अंदर होती है, लीगल टेंडर होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है कि कोई भी उस करेंसी को रिफ्यूज नहीं कर सकता। आज आप किसी को 2000 रुपए का नोट दीजिए, आप अपना 2000 रुपए का खाता सेटल करने के लिए, तो वो 2000 रुपए के नोट को रिफ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, वो फियाट करेंसी है, वो सर्कुलेट करवाया गया है और उसको एक्सेप्ट करा जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द एंटायर कंट्री। जो वर्चुअल करेंसीज है ना, वो फियाट करेंसी होते हैं, ना वो जो है आपके रियल करेंसी होते हैं, वो ट्रेडेड ऑनलाइन होते हैं, वो ई मनी भी नहीं है। व्हाट इज ई मनी? जैसे आपके वॉलेट के अंदर, डिजिटल वॉलेट के अंदर जो आपका पास मनी होल्ड आप करने लग रहे हैं, वो आपका ई मनी है। जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर मनी होल्ड करने लग रहे हैं या डेबिट कार्ड के अंदर आप जो मनी होल्ड करने लग रहे हैं, वो आपका ई मनी है। तो ई मनी क्या होता है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फियाट करेंसी। तो फियाट करेंसी इंडिया के अंदर अपना INR का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करने लग रहे हैं आजकल, उसको हम कहते हैं ई मनी। वर्चुअल करेंसी मोर लाइक अ कूपन, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स। आप बहुत ज़्यादा एयरलाइंस के अंदर ट्रैवल करिए तो एयरलाइंस क्या देगी कि आपको कुछ पॉइंट्स दे देगी, तो अगली बार आप टिकट खरीदेंगे तो वो पॉइंट्स आपके रिडीम हो जाएंगे। आप सिनेपोलिस थिएटर के अंदर जाकर पिक्चर देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अगली बार आप पिक्चर देखने जाएंगे तो वो पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। तो ये जो प्रकार के होते हैं, ये आपकी वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का ही एक सबसेट है क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी यानी कि जिसके अंदर इंक्रिप्शन वगैरह यूज करा जाने लग रहा है उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। तो वर्चुअल करेंसी की जब हम करते तो बैक ऑफ द माइंड के अंदर हमारे क्रिप्टो करेंसी भी चलता रहता है, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से जाननी है कि वर्चुअल करेंसी अलग है, ई मनी अलग है, वर्चुअल करेंसी का सबसेट क्रिप्टो करेंसी है। तो वर्चुअल करेंसी क्या है वो मैंने आपको पीछे बताया, क्यों आरबीआई ने बैन करा। वर्चुअल करेंसी के अंदर कोई अंडरलाइन फियाट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, कोई लीगल उसका स्टेटस नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर गिरावट चढ़ावट हमारे को देखने को मिलती है। कहां से आया, किसने इंट्रोड्यूस करा, कौन उसको हैंडल करने लग रहा है, उसके बारे में भी जो है ना कम आइडिया हमारे पास रहती है। डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज रहते, जिन लोगों ने उसको खरीदा है उनका डेटा कितना सिक्योर है, वो लोग कितने सिक्योर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि वो पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई को कम कर दो, इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ कम हो चुकी है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा दो। तो इस प्रकार से जो मनी सप्लाई को आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी इंटरफियर कर सकता है अगर ये वर्चुअल करेंसी का जो है स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो। और बहुत सारी आईसीओस होने लग रहे थे, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स होने लग रहे थे, जैसे फेसबुक भी लिब्रा करके करेंसी लाना चाहता था, वो जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने का जो प्रक्रिया है उसको हम आईसीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आईसीओज होने लग रहे थे और प्रोलिफरेट होने लग रही थी वर्चुअल करेंसीज का, खतरा भी बढ़ने लग रहा था, को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने उठा के बैन कर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ज्यादा हो गया, आपने जो है 5-prong टेस्ट ऑफ, अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाए, प्रोपोर्शनैलिटी के अगर हिसाब से देखा जाए कि आपका जजमेंट, आपका डिसीजन आरबीआई कितना सही है कितना गलत है, तो हमारे को आपका डिसीजन गलत लगने को लग रहा है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंपिंच करने लग रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सिटीजंस के फ्रीडम को ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है, जो एक्ट है वो कितना डेंजरस है कितना नहीं है, कितना डिस्टेबलाइजिंग है, वो सब नहीं है, वो सर्वे करके आपको पता करना है, स्टडी करके पता करना है, विदाउट पता करे आपने उठा के उसको बैन कर दिया।
और क्या लेस ड्रास्टिक मेजर्स यूज करके यही ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करा जा सकता था, ये चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करा है कि ये सारे क्वेश्चंस पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि आपको ये बैन को जो है हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार से डिसीजन आया वर्चुअल करेंसी के बारे में, रोज अखबार में इसके बारे में बात चलने वाली, अगले 3-4 दिन आपको पूरा पूरा पढ़ना है, समझना है। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार और प्यारा आर्टिकल है एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर, जिसको आपको रीड करना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा नन्ना मुन्ना हो चुका है, ट्रेडेड ऑनलाइन है, बिल्कुल सही बात है, लीगल टेंडर स्टेटस इनके पास नहीं है, अगर होता तो बात ही क्या थी, इन लोगों को सेंट्रल बैंक्स ने इशू नहीं कराया, अगर इशू करा होता तो बात ही क्या थी। तो इस प्रकार से सारी सारी चीजें मैंने आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी है। मेंस के हिसाब से आपको ये शीट ऑफ पेपर को प्रिंट आउट मार के रखना है GS3 की फाइल के अंदर लगाकर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते आते, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आते आते इस प्रकार से इनोवेशन आगे बढ़ने वाले हैं और उनका एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये यूपीएससी आपको कंसीडर करवाएगी। उसके पहले मैं आपसे कंसीडर करवा लेना चाहता हूं, प्रोज आप बताएंगे वर्चुअल करेंसी के, जो मैंने क्रैश कोर्स में भी डिस्कस करें, आपने नहीं देखा है तो आप गूगल करिए, आपको मिलेगा। नुकसान तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आरबीआई का कैसा होना चाहिए सच दैट कि इस नए सेक्टर को हम डेवलप करवा सके और वर्चुअल करेंसीज के फायदों का हम फायदा उठा सके, इस प्रकार से आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इंटरव्यू में, मेंस में, इसके ऊपर आपको सोचना है और 4-5 आपको पॉइंट्स निकाल कर डालने हैं। आप उसके ऊपर थोड़ा सा आर्टिकल्स रीड करिए और जितने लोगों ने कल जवाब दिए थे वो सारे जवाब आगे चलते हुए इस क्वेश्चंस का भी आप देने की कोशिश करने वाले हैं। GS3 में ये आपको पूछा जा सकता है। 8 AM को आप स्थापना देख लीजिए हमारी, जिसके अंदर हम आपका प्रीलिम्स के हिसाब से इंटेंसिव रिवीजन करवाने लग रहे हैं बहुत शानदार शानदार लेक्चर्स के थ्रू। जिज्ञासा आप देख ही लीजिए। 8 PM को आप प्रयास के सेशन में आ जाइए, जिसके अंदर आप प्रयास करिए MCQs का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विराट कोहली एक दिन में नहीं बना है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप विराट कोहली बन पाएंगे यूपीएससी के, और वही चीज मैं चाहता हूं, आपका रैंक 1 मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करने लग रहा हूं कि फ्री सेशन है प्रयास का, उसमें आइए प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत मजा आएगा। 1.25 घंटे का सेशन रहता है जो कि बहुत ही रैपिड फायर राउंड के अंदर आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेता है, जो सुबह वाली स्थापना के अंदर आपको सिखाए गए हैं। तो स्थापना देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, रिवाइज करिए, शाम को आइए, देखिए प्रयास के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर मालूम पड़ जाएगी। यूपीएससी लेवल की क्वेश्चनिंग हम आपको करवा रहे हैं। कावेरी इंजन न्यूज में देखा जाता है, क्या है ये कावेरी इंजन? ये हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में यूज होता है, ये हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर यूज होता है, ये हमारे लाइट एयरक्राफ्ट और UAVs के अंदर यूज होता है, या ये हमारे गगनयान मिशन के अंदर यूज होने वाला है? क्या है ये कावेरी इंजन? ये सिंपल सा सवाल मैंने आपको पूछा है, द हिंदू के अंदर आज इसके ऊपर रिपोर्टिंग करी गई है। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों बन जाता है क्या? बी, यानी कि ये हमारे तेजस के लिए बन रहा था, बन रहा है, बना नहीं है, इसके अंदर बहुत रोड़े हैं, इसके अंदर बहुत अड़चने हैं। 11,000 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार इसके ऊपर खर्चा कर चुकी है, 30 साल से ये प्रोग्राम चलने लग रहा है कावेरी जेट इंजिन बनाने का, लेकिन ये जेट इंजिन अभी तक बन नहीं पाया है। हाल फिलहाल के अंदर हम एक फ्रेंच कंपनी के साथ टाइप करने की सोच रहे थे इस जेट इंजिन को प्रॉपरली बनवाने के लिए, लेकिन वो भी हमारा टाइप हो नहीं पाया है। इसके ऊपर बार बार में आए दिन न्यूज चलती रहती है। क्रिटिकल पार्ट है ये कोई भी फाइटर जेट का, जो फाइटर जेट इतना तेजी से इतना ऊंचाई के ऊपर इतना फटाफट चलता है, तो मतलब उसके अंदर कुछ तो है ना, तो कुछ तो क्या है उसके अंदर, जो कुछ तो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंजन, और वो इंजन बड़े महंगे महंगे रहते हैं, टेक्नोलॉजी की बड़ी चैलेंजिंग रहती है उनकी। तो हम 30 साल से कोशिश कर रहे हैं उसको डेवलप करने की और हम कर नहीं पाए हैं। 200 हम जो तेजस जब चलाएंगे तो उतने ही इंजन हमारे को बाहर से लेकर आने पड़ेंगे। तो अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा बहुत पैसा बच जाएगा, हमारी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, और इतना बढ़िया वाला इंजन जिस दिन हमने डेवलप कर दिया, तो फिर जो हमारी छोटी मोटी जो चीजें के लिए हमारे को ये हमारा जो यूएवी होता है या ये सब चीजों के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए इंजन चाहिए, तो वो तो हम डेवलप कोई भी दिन पे कर जाएंगे। इसीलिए ये इंजन को डेवलप करना जरूरी है, इसी के छोटे भाई घातक को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग एरियल कॉम्बैट व्हीकल के अंदर यूएवी, जिसको हम प्यार से ड्रोन्स भी कहते हैं, उसके अंदर यूज करने की चेष्टा करने वाले हैं। तो कावेरी क्या है, घातक क्या है, ये आपको मालूम पड़ चुका है, कहां हम अटके हुए हैं ये भी आपको मालूम पड़ चुका है। ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, गगनयान से आप खतरा मतलब जो डर मत जाइएगा। कई बच्चों ने गगनयान चूज कर लिया होगा, जिन्होंने चूज करा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या गलती करी है। आंसर इसका है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फॉर तेजस, तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए फोटोग्राफ, देख लीजिए बढ़िया वाला आर्टिकल है, आपको रीड करना है। मूविंग अहेड, बफेलोस के बारे में बात करेंगे। 2 स्टेटमेंट दे दिए बफेलोस के बारे में, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको पूछा है, इसको एनवायरमेंट की कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है। पहला स्टेटमेंट यह है कि बफेलोस कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज टोटल मिल्क प्रोडक्शन। आप डिसाइड करिए, 1/4 बफेलोस का दूध आता है इंडिया के अंदर, टोटल मिल्क जो पैदा हो रहा है उसमें से 1/4 बफेलो देती है,
आधा देती है, तीन चौथाई देती है, क्या कुछ भी नहीं देती है, वो आप डिसाइड करिए। सेकंड वाला है, इंडिया इज होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन द वर्ल्ड। ये देखिए एक्सट्रीम प्रकार का स्टेटमेंट है, हाईएस्ट लोएस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट से मेरे को बड़ा डर लगता है। इंडिया इज होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन द वर्ल्ड, मुझे डर ये लगता है क्योंकि कई बार गलत भी हो सकते हैं लेकिन कई बार सही भी हो सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव स्लैश आर करेक्ट, आपको डिसाइड करना है। वन ओनली, टू ओनली और ऑप्शन ऐसे रखे हैं मैंने आपके सामने बफेलोज के बारे में। चाहिए तो दो मिनट आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करके कमेंट कर दीजिए। आंसर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है सी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही आपके करेक्ट है। बहुत ही शानदार एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल छपा है जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है, जिसको उठा के आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं सारा निकाल के आपके लिए वैसे ही लेकर आ चुका हूं। हमारी बफेलोज की पॉपुलेशन इतनी सारी है, वो बढ़ती जाने लग रही है। ऑलमोस्ट आधा दूध जो इंडिया के अंदर पैदा हो रहा है वो बफेलोज देने लग रही है। 56% ऑफ दुनिया की बफेलोज हमारे यहां पर है। बफेलोज के अंदर फैट का कंटेंट ज्यादा है, बफेलो के अंदर जो सॉलिड नॉन फैट का कंटेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू काउ। इस चीज को आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। बफेलो ज्यादा नाटक नहीं करती, उसको आप जो खिलाओगे वो खा लेती है, कोर्स फॉडर, क्रॉप रेसिड्यूज और अच्छा दूध भी दे देती है। उसके बाद आप उसको आराम से बेच भी सकते हो जब उसकी लाइफ साइकिल जो है एंड होने वाली रहती है, क्योंकि बफेलोस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है। पॉलिटिक्स बफेलो के नाम पे नहीं होती है, हम लोग गाय के ऊपर फोकस्ड हैं क्योंकि हमारे रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर गाय की वैल्यू ज़्यादा है। तो उस प्रकार से जो है बफेलो की जो फार्मर के लिए वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फार्मर की कोई भी एक्टिविटी के ऊपर रोक टोक नहीं है। और बफेलो की मीट इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करी है, 25,000 करोड़ की मीट हमने 2018-19 के अंदर एक्सपोर्ट करी। और आप जानते हैं एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हम डॉलर्स अर्न करते हैं उसी से तो हम तेल खरीदते हैं, उसी से तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं दुनिया भर के। तो ये प्रकार से एक्सपोर्ट्स भी इसकी बहुत बढ़िया बढ़िया होती है, सॉलिड्स कंटेंट भी इसका ज्यादा है। तो जो डेयरी सेक्टर वाले हैं उनको भी ये जो है ट्रांसपोर्टेशन इसका ज्यादा पड़ता है, ज्यादा उनके लिए वायबल रहता है एज कंपेयर टू लेट अस से मिल्क ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, काऊ का मिल्क ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि काऊ का मिल्क में सॉलिड्स वगैरह कम रहता है। तो ये पूरी बफेलो की कहानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर, मिल्क, एक्सपोर्ट, कितना पॉपुलेशन हमारे पास है, फार्मर के लिए उसकी क्या वैल्यू है। टोटल कहानी मैंने आपको बफेलो की दिखा दी, आपको मैं चार्ट भी दिखा दूंगा, पिक्चर भी दिखा दूंगा। देखिए बफेलो का पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली ऑन द राइज, कैटल का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर ज्यादा है, आगे नीचे ऊपर नीचे कम होने लग रहा है, लेकिन बफेलो के अंदर अनमिस्टेकेबल राइज आपको देखने को मिलने लग रहा है। तो बफेलो के बारे में हमारे को ध्यान देना चाहिए, अगर फार्मर की इनकम डबल करनी है तो बफेलो कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको पूछा था, अब ये बहुत ज्यादा ईजी है आपके लिए, ऑलमोस्ट हाफ लिखा है तो आप बोल सकते हैं हाँ 48-49 यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ही होता है। 56% दुनिया का हमारे पास है, तो ऑब्वियस ही बात है हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन द वर्ल्ड हमारे पास है। हर एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत नहीं होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से सावधान रहना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़ी कर जाएं कि हर एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत मार्क करके आ जाएं। ऐसे अगर करेंगे तो एग्जामिनर आपके 2, 4, 5, 6, 8 नंबर तो ऐसे ही निकलवा लेगा, एग्जाम के अंदर कम कर देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करेंगे इंडियन कंपनीज के बारे में। अब देखिए कैबिनेट ने क्या डिसाइड करा है, कल कैबिनेट ने ये डिसाइड करा है कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी, मान लीजिए HDFC, इंफोसिस, TCS एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी हमारी इंडियन कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो, अनलिस्टेड कंपनी भी हो, कोई भी कंपनी हो, वो है जो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी लिस्टिंग कर सकती है। बाहर का स्टॉक एक्सचेंज मतलब टोक्यो का हो गया, लंडन का हो गया, मिलान का हो गया, आपका न्यूयॉर्क का हो गया, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्टिंग कर सकती है। अभी तक अलाउड नहीं था, उतना आसान नहीं था, लेकिन अब जो है उसको आगे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे। तो अभी तक क्या कर रही थी हमारी कंपनियां, वो लोग डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर रहे थे, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करा करते थे, और वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है वो बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो लिस्ट हुआ करती थी, और जब वो लिस्ट हुआ करती थी तो वो उनके अंदर खरीद बेच हुआ करती थी। तो कंपनीज को पैसा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू इनडायरेक्टली मिलता था बाहर के बाजारों के अंदर से, नॉट डायरेक्टली। तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां बाहर इशू करा करती थी, बाहर यानी कि फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इशू करा करती थी, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय इंडियन कंपनीज लुकिंग टू रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। यदि आप इंडियन कंपनी बाहर से पैसा उठाना चाहते हैं तो आप क्या इशू करेंगे, ADR, IDR या GDR। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव स्लैश आर करेक्ट, जो चूज आपका जो भी आंसर उसको आप चूज कर लीजिए, ये लाइन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी यहां पर। चूज द करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग
कोड गिवन बिलो यहां पर होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे करेक्ट आंसर को, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर उसको आप लॉक करेंगे। आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको चुनना है कि आप क्या इशू करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बाहर से पैसा उठाने के लिए। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक कर लीजिए। आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आंसर इसका बन जाता है बी, यानी कि 183, यानी कि ADR दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज वेल एज GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है ना। अब इसकी पूरी राम कहानी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सिग्निफिकेंट डिसीजन है, पुराना आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर करा क्योंकि पुराना आर्टिकल बेस्ट आर्टिकल था इस मुद्दे के ऊपर। जो आज की कल की खबर है उसके ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल दो चार दिन बाद आएंगे, लेकिन टॉपिक को आज कवर करना जरूरी है क्योंकि डिसीजन कल का है, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ओवरसीज। अभी तक ADR GDR हमारे को जो है इश्यू करना पड़ता था, तो उससे कैसा होता था कि अगर हमारे को फंड रेस करना है तो ADR GDR के माध्यम से करते थे। अब जब हमने डायरेक्ट लिस्टिंग आसान बना देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आसानी से कंपनियां बाहर से पैसा रेस कर पाएगी और उसकी वजह से कैपिटल इंडिया के अंदर ज्यादा फ्लो हो पाएगा। व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट? एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स या बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी की अंडरलाइंग सिक्योरिटी को वो रिप्रेजेंट करता है इन अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। तो अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर नीचे होएगा तो ADR GDR का प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो अगर आपको सपोज कर लीजिए आप बाहर अमेरिका के अंदर जो है इन्वेस्टर बैठे हैं और आपको मान लीजिए कि इंफोसिस की ADR आप खरीदते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली पैसा जो है वो इंफोसिस के अंदर लगाने लग रहे हैं। दीज डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बड़े आराम से इनका जो काम है वो हो सकता है। जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, ठीक है ना, ये इशुअर्स कौन है? इशुअर कौन है? डोमेस्टिक कंपनी। इशुअर्स कैन रेस फंड्स आउटसाइड देयर होम ज्यूरिसडिक्शन। तो मेरा होम ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इंडिया की कंपनी, तो मेरा होम ज्यूरिसडिक्शन इंडिया है, मैं बाहर इसको इशू कर सकता हूं सो दैट मैं बाहर फॉरेन इन्वेस्टर से मैं पैसा इंडिया के अंदर लेकर आ सकूं। जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है वो अलग अलग प्रकार की है। ADR यानी कि जो अमेरिका में इशू होती है, GDR यानी कि जो अन्य कंट्रीज के अंदर इशू होती है, IDR या क्या होता है बाहर की कंपनी, मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड कोई अगर इंडिया के अंदर आना चाहती है लेकिन लिस्ट नहीं होना चाहती है, लेकिन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के माध्यम से पैसा इंडिया के अंदर से उठा के लेकर जाना चाहती है, तो वो लोग IDR इशू करते हैं। तो बाहर की कंपनी इंडियन मार्केट अंदर, इंडियन मार्केट में IDR इशू करेगी और इंडियन कंपनी बाहर जो है ADR इशू करेगी, GDR इशू करेगी। ADR अमेरिका के अंदर, GDR अन्य देशों के अंदर, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, हर प्रकार की कंपनी को ADR GDR इशू करना अलाउड है, के थ्रू जो भी पैसा आता था इंडिया के अंदर उसको हम FDI मानते थे। तो ये सारा सारा आर्टिकल का डिस्कशन है, पुराना वाला लिंक मैंने आपके साथ शेयर करा है, उसको आप पढ़ना, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई चुकी है, क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाता है ये प्रकार का कि इंडियन कंपनी बाहर से फॉरेन ज्यूरिडिक्शन के अंदर से पैसा लाना चाहती है तो क्या इशू करती है, ADR इशू करती है, IDR या GDR। तो ADR GDR आंसर बन जाता है 183 ओनली, ठीक है ना। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो होना चाहिए, उसको चेंज कर दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार से बनाया है। आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो गेम्स के ऊपर, जो कि ओलंपिक्स गेम्स है 2020 वाले, उसके ऊपर खतरा मंडराने लग रहा है। वही चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि कोई भी ओलंपिक गेम्स को कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल कर देने का हक यानी कि राइट जो है केवल इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के पास है और किसी के पास नहीं, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आज तक की तारीख के अंदर जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं वो केवल एक बार उनमें से ऐसा हुआ है कि कैंसिल हुआ है ओलंपिक, और वो हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। खराब सिचुएशन बन गई रहेगी वॉर के टाइम पे, है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज स्लैश आर इनकरेक्ट? दोस्तों आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, दोनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको चुनना है। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक कर लीजिए, आंसर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है बी दोस्तों, पहला वाला तो करेक्ट है। IOC जो है सोल राइट्स रखती है कैंसिल करने के, एक बार कैंसिल नहीं हुए ओलंपिक गेम्स, तीन बार कैंसिल हुए। तीन बार कैसे कैंसिल हो गए? तीन बार इसलिए कैंसिल हो गए, 1916 में वर्ल्ड वॉर वन था, 1940 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, 1944 में वर्ल्ड वॉर टू भीषण रूप ले चुका था। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तीन बार ओलंपिक गेम्स जो है अभी तक जो है कैंसिल करे जा चुके हैं। होम सिटी कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज करा जा सकता है एग्जाम के अंदर पूछने के लिए। होम सिटी कॉन्ट्रैक्ट टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में चला था, क्यों चला था? ये होम सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है बिटवीन IOC एंड बिटवीन लेटर से जापान, और जापान की जो भी सिटी है वो जो करने वाली है ओलंपिक को होस्ट, तो ये होम सिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्मिनेशन का क्लॉज है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि IOC टर्मिनेट कर सकती है गेम्स को अगर वॉर, सिविल डिसऑर्डर, बॉयकॉट या इस प्रकार की कोई सिचुएशन रहती है तो, और IOC के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। साथ साथ इसी क्लॉज के अंदर टर्मिनेशन वाले इसके अंदर ये भी
भी लिखा हुआ है कि अगर गेम्स 2020 के अंदर नहीं हुए तो IOC टर्मिनेट कर सकती है, यानी कि जापान के जिस भी शहर ने जितना भी पैसा खर्ची करा है उस गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएगा, और उसका मतलब ये है कि फिर उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट हो सारा सारा पानी में चला जाएगा। तो जापान क्या कह रहा है इसमें, यह लिखा है कि 2020 में अगर गेम्स ना करवाएं तो आप लोग टर्मिनेट कर दोगे। हम बोल रहे हैं कि अभी 2-4-5 महीने बाद जो है गेम्स करवाने की जगह जो है 7-8-9 महीने बाद गेम्स करवाते हैं, उससे क्या होगा, कोरोना वायरस का खतरा टल जाएगा, बीमारी का खतरा टल जाएगा और सारी सारी चीजें सेफली हो पाएगी, और 2020 के अंदर हम गेम्स करवा लेंगे, कुछ महीने थोड़ा सा डिले कर देते हैं। IOC एकदम बोल रहे हैं ना, मतलब ना, बिल्कुल भी डिले हमारे को करवाने ही नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग चुका है, सारे सारे मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सारी सारी चीजें तैयार हो चुकी है, इस गेम्स को अब कैसे हम डिले कर सकते हैं। तो ये जो है एक टसल चलने लग रहा है बिटवीन लेटर से जापान एंड द इंडियन अपना इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसी पॉइंट पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, पहला वाला तो मैं आपको पूछ चुका हूं रिगार्डिंग वर्चुअल करेंसीज। आप मेरे को बता दीजिए वर्चुअल करेंसी का डेफिनेशन, क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन, ई मनी का डेफिनेशन, वर्चुअल करेंसी के प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे करना चाहिए सच दैट की वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करा जा सके, इस प्रकार से चीजों को आप एक्सप्लोर करिए और बताइए सारी चीजों का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी क्या है, क्यों है, क्या बनी है, कैसे बनी है, उसका हेडक्वार्टर्स क्या है, क्या उसका मैंडेट है, इस प्रकार के आइडियाज में पुरानी जिज्ञासा में कवर करवा चुका हूं, या तो आप मेमोरी से बताइए, नोट्स के अंदर से बताइए, गूगल करके बताइए, लेकिन आंसर आपको पक्का देना है, स्कोर्स आपको पक्के शेयर करने हैं। तो देख लीजिए ये थोड़ा सा ओलंपिक मैस्कॉट्स भी मैं आपके सामने लाया हूं, अन्य एग्जाम्स के अंदर काम आ सकता है, मिराई तोवा एज वेल एज सोमेटी जो है वो हमारे टोक्यो 2020 के जो मैस्कॉट्स है बड़े सुंदर सुंदर यहां पर लगने लग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है पुराना वाला, एक दिन पुराना, उसको आपको रीड करना चाहिए और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। दोस्तों ये हो जाता है हमारे डिस्कशन का एंड, आपने हमारे साथ काम करा, थैंक यू वेरी मच, स्थापना का प्रयास का पूरा फायदा उठाएं, एग्जाम की आप अच्छी तैयारी करिए, और हमारा क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।